बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तक हमने कैमरे को देखा था, अब हम फुल फ्लैज जो है वो टीवी प्रोडक्शन आज से शुरू कर रहे हैं। सीन की कंपोजिशन, शॉट्स की कंपोजिशन और ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि शॉट क्या चीज़ है, सीक्वेंस क्या चीज़ है फर्स्ट पार्ट में, और देखेंगे कि बेसिक शॉट्स जो के यूज़ होते हैं नॉर्मली वीडियो प्रोडक्शन में, वो कौन कौन से बेसिक शॉट्स हैं। शॉट्स हम सारे इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उनके स्पेसिफिक नाम है। तो शॉट क्या है, सीक्वेंस क्या है और बेसिक शॉट्स क्या हैं। हर चीज़ की एक बुनियादी इकाई होती है, ठीक है, हर चीज़ की एक बुनियादी, जैसे हम मैटर के हम देखते हैं, हम कहते हैं जी एटम, उसकी बुनियादी इकाई है। हर चीज़ की एक बुनियादी चीज़ होती है जिससे को हर काम शुरू होता है। वीडियो प्रोडक्शन में जो बुनियादी इकाई है वो है शॉट, ठीक है। शॉट क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है शॉट की, हमें पता है शॉट क्या चीज़ है। शॉट की डेफिनेशन ये है कि एक सिंगल कंटिन्यूस शॉट, एक सिंगल कंटिन्यूस टेक, जब कैमरा आपने रिकॉर्डिंग ऑन की है और जब आपने रिकॉर्डिंग ऑफ की है, उसके दरमियान जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है एक गो में, वो शॉट है, ठीक है, वो एक शॉट है। तो बेसिकली मकसद क्या है शॉट का, मकसद ये है कि रिकॉर्डिंग के लिए वो रॉ मटेरियल है ऑब्वियसली, ठीक है। शॉट जो है एज इन इट सेल्फ एक कोई चीज़ कोई हैसियत नहीं रखता, वो एक रॉ मटेरियल है, उसको आप मैनिपुलेट करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तब उससे कोई मीनिंगफुल चीज़ बनेगी। कैन ओनली हैव लार्जर मीनिंग, यानी अगर शॉट का मीनिंग तब बनता है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि इससे पहले क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा, तब उस शॉट का मीनिंग पता चलता है। कि एक बच्चा है बैठा हुआ है, आपको नहीं पता कि क्यों बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप दिखाते हैं उससे पहले शॉट में कि बस निकल गई, ठीक है, तो अब वो बच्चा बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि अब वो उसकी बस निकल गई है और वो बैठा हुआ है। तो और फिर उसके बाद अगला शॉट आप देखते हैं, दिखाते हैं कि उसका बाप दूर से आ रहा है, तो अब ये एक सीक्वेंस भी बन गया और आपके शॉट में मीनिंग भी आ गई कि बस निकल गई थी, बच्चा इंतजार कर रहा था, बाप आ गया लेने। तो मीनिंग इस तरह से होता है कि पहला और आखिरी, उससे पहला और उसके बाद वाला शॉट जब आप उसको लगाते हैं तो तब उसमें मीनिंग पैदा होता है। शॉट की ड्यूरेशन जो है वो कम से कम 8 से 10 सेकंड होनी चाहिए। जब आप रिकॉर्डिंग किसी भी शॉट की करते हैं तो कम से कम 8 से 10 सेकंड होनी चाहिए। जब मैंने शुरू किया था उस वक्त मैंने एक BBC का मैनुअल पढ़ा था, जब MT आना शुरू किया था, यहाँ पे पढ़ा हुआ है वो, तो उसमें लिखा हुआ था कि 30 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है, और वो मैनुअल छपा था 1950s में कहीं, ठीक है, लेकिन वो अब कम होते होते जो है वो 8 से 10 या 3 से 6 सेकंड पे भी आ गया। कि अब चूंकि हमारी जो ऑडियंस है उसका टेंशन स्पैन जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, आप एक ही चीज़ लंबी देर के लिए किसी को दिखाएं तो उसके उसका टेंशन स्पैन ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से आपका शॉट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से लोग पसंद नहीं करते टॉकिंग हेड प्रोग्राम्स, स्वाइस के ऐसे प्रोग्राम जिसमें कोई बंदा तकरीर कर रहा हो या बोली जा रहा है, स्वाइस के सब्जेक्ट मैटर बहुत इंटरेस्टिंग हो और उसके अलावा अगर कोई बंदा तकरीर कर रहा है तो लोग पसंद नहीं करते, और उसकी यही वजह है कि अब लोगों के टेंशन स्पैन जो है वो पहले से भी कम हो गए। जो लेंथ है 8 से 10 सेकंड वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, वो डिपेंड करती है कि जो एक्शन आप दिखा रहे हैं वो आप कंप्लीटली दिखा लें, ठीक है, कोई भी चीज़ है, बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है, तो आप दरमियान में तो कट नहीं करेंगे, उसका पूरा रन है पर वो सारा आपको दिखाना पड़ेगा, या जो भी एक्शन आप दिखा रहे हैं वो कंप्लीशन तक, या जो आप सब्जेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, आप किला रोहतास की एक दीवार दिखा रहे हैं जिसमें पत्थर टूटे हुए हैं, ठीक है, तो जब तक वो पत्थर कॉम्प्रिहेंड नहीं हो जाते कि भाई ये पत्थर टूटे हुए हैं, वो 4 सेकंड का शॉट है, 10 सेकंड का है, 15 सेकंड लगते हैं उसको, बेशक हमने 8 सेकंड ही रखना है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट मैटर जब तक पोर्ट्रे नहीं हो रहा उस वक्त तक आप शॉट को रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शॉट के स्टार्ट में और एंड में ये कैमरामैन का काम है कि उसने एडिटर को इतनी स्पेस देनी है, उसने शॉट इतना लंबा करना है। एक्चुअल शॉट आपका 8 से 10 सेकंड का नहीं है, एक्चुअल शॉट आपका 15 से 20 सेकंड का है। आपने 5 सेकंड देने हैं एडिटर को शुरू में
और 5 सेकंड देने हैं शॉर्ट के एंड में, जिसमें से फिर एडिटर जो है डिसाइड करेगा कि मैंने शॉर्ट कहाँ से कहाँ तक लेना है, उसके पास रूम है शॉर्ट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो 8 से 10 सेकंड का शॉर्ट है, लेकिन इन एक्चुअलिटी 5 सेकंड आप उसमें या 3 सेकंड आप उसमें शुरू में एडिटर के लिए डाल दो और एंड में डाल दो, ठीक है, इनफ लेंथ जो है ताकि एवरी शॉट में वो हो। एक रिलेटेड शॉट्स जो हैं, अगर आप यहाँ देखें, बेसिकली क्या है कि एक बंदे का टायर पंचर हो गया, वो टायर चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब रिलेटेड शॉट हैं, पहले शॉट में उसने जैक लगाया, दूसरे में ऊंचा किया है, तीसरे में टायर उतारा है, चौथे में वो पता नहीं क्या कर रहा है, नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल ठीक है। मकसद ये है कि ये 4 शॉट जो हैं सक्सेशन में हैं जो एक स्टोरी बता रहे हैं आपको। जब आप शॉर्ट्स को कंबाइन करके एक स्टोरी बनाते हैं, बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। आप अपनी प्रीमियर प्रो खोलते हैं, उसमें आपसे वो पूछता है कि नई सीक्वेंस बनानी है, वो यही पूछ रहा है आपसे कि शॉर्ट्स आपके पास हैं, उनको आपने आपस में एक दूसरे से जोड़ना है और आपने एक सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस के नतीजे में होता क्या है कि एक इल्यूजन पैदा होती है कि एक्शन जो है वो अन इंटरप्टेड हो रहा है, एक ही गो में सारा एक्शन हो रहा है। आपने शॉर्ट लेदर लिए हैं, एक शॉट में आपने टायर चेंज करते हुए टायर उतारते हुए लिया है, एक शॉट में आपने जैक लगाते हुए लिया है, ये सारे अनरिलेटेड अलग-अलग शॉट्स हैं, लेकिन जब आप उनको एक सीक्वेंस में चलाते हैं तो ये इल्यूजन पैदा होती है स्क्रीन के ऊपर कि टाइम गुजर रहा है और एक चीज़ जो है वो एक तरतीब के साथ होती चली जा रही है, दैट इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो व्यूअर को इवेंट्स रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि रैंडम शॉट्स आ रहे हों तो व्यूअर उस इवेंट को, जिस इवेंट को आप कवर कर रहे हैं, वो उसको व्यूअर जो है वो उसको अपने दिमाग में सही तरह से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इवेंट्स एक सीक्वेंस में आ रहे हों तो व्यूअर को ऐसे ही लगता है जैसे उसने असल में वो चीज़ देखी है। तो ये मकसद है सक्सेशन में शॉर्ट्स बना के सीक्वेंस बनाने का, ठीक है। शॉर्ट सीक्वेंस, ये दो चीज़ें अब तक हमने। अब सीक्वेंस बनाने के लिए जो बेसिक शॉट हर किस्म के हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ तो स्टैंडर्डाइज आपने करना है ना। अगर आपने किसी को बताना है कि भाई मुझे ये शॉट चाहिए तो आप कैसे करेंगे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ शॉट्स के नाम रख दिए हैं, ठीक है। नाम क्या है, एक्सट्रीम वाइड शॉट, मीडियम क्लोजअप, क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप। अगर आप इसको देखें तो देख के समझ आ जाती है कि किसका क्या मतलब है। एक्सट्रीम वाइड शॉट ये है जिसमें बंदा जो है बिल्कुल ही बहुत दूर है, आप पूरा एरिया दिखा रहे हैं बेसिकली। एक्सट्रीम वाइड शॉट का मकसद होता है एरिया दिखाना, वो सराउंडिंग्स दिखाना जहाँ पे वो एक्शन हो रहा है, वो सराउंडिंग दिखाना एक्सट्रीम वाइड शॉट का मकसद है। वाइड शॉट का मकसद है वो बंदा दिखाना जो वो उस एक्शन में है, लेकिन पूरा बंदा, वो कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो क्या कर रहा है, वो किस जगह पे है और फिर कौन है, मकसद ये है वाइड शॉट का। मीडियम शॉट का मकसद है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे उस बंदे में या उस एक्शन में इन्वेस्ट होते जाते हैं, आपका शॉट करीब से करीब तर होता जाता है। अब थोड़ी सी डिटेल में कि कौन सा शॉट कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए या होता है, ठीक है। ये जहन में रखें कि वीडियो प्रोडक्शन है ना, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल्स हैं। वंस यू अंडरस्टैंड द रूल्स यू कैन ब्रेक देम, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप रूल अंडरस्टैंड नहीं करते और आप ब्रेक करते हैं तो वो पता चलता है स्क्रीन के ऊपर और वो बुरा लगता है। लेकिन जब आप रूल अंडरस्टैंड करते हैं और आप ब्रेक करते हैं तो वो किसी वजह से होता है और वो वजह उस ब्रेक करने को जस्टिफाई कर रही होती है, इस वजह से कोई कुछ नहीं कहता आपको और लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा काम किया। अब एक्सट्रीम वाइड शॉट है, इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कहीं बंदा है जो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, वो अगले शॉट्स में नज़र आ जाएगा। ये बेसिकली एक एस्टैब्लिशिंग शॉट है, ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि ये लोकेशन क्या है, ठीक है, जहाँ पे एक्शन हो रहा है, और सब्जेक्ट की सराउंडिंग दिखाना इसका मकसद है। इसका मकसद है कि वो लोकेशन आपको दिखा दे। ये यूज़ होता है अमूमन पहले शॉट पे, कोई भी सीन या कोई भी सीक्वेंस के पहले शॉट में अमूमन एस्टैब्लिशिंग शॉट लगाते हैं
जो आपके व्यूअर को बताता है कि अच्छा यहाँ पे हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। आप कोई पीटीवी का पुराना ड्रामा दिखा लें, महाबली ये वो, पहले वो किला दिखाएंगे, ठीक है, इस किले में, किला बेशक मॉडल हो, ठीक है, वो आपको एस्टेब्लिश कराते हैं कि इस जगह पे ये हो रहा है। इसका एक और फायदा ये है कि लेट्स से आप एक जंग जंग का सीन दिखा रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, गेम ऑफ थ्रोन्स आप लोग देखते हैं, उसमें जब उन्होंने स्केल दिखाना होता है जंग का कि कितने लोग लड़ रहे हैं, उस वक्त फिर एक्सट्रीम वाइड शॉट पे जाते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि देखो जी कितना कितना इनॉर्मस जो है ये स्केल है, स्कोप है इस क्या कहते हैं इस जंग का, या जो भी सीन वो दिखा रहे हैं या जो भी एक्शन टेक हो रहा है उसका स्केल दिखाने के लिए भी एक्सट्रीम वाइड शॉट यूज होता है, ठीक है। सिर्फ एस्टैब्लिशिंग शॉट नहीं है, ठीक है, कहीं भी यूज हो सकता है, कहने का मतलब यह है अमूमन एस्टैब्लिशिंग शॉट के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां पे आप स्केल दिखाना चाह रहे हैं किसी चीज का, किसी एक्शन का, वहां पे भी आप दिखा सकते हैं, जलसे में आप दिखाते हैं। एक्सट्रीम वाइड शॉट को एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉट और एक्सएलएस भी कह देते हैं, ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ नाम है जो यूज होते हैं। मकसद ये है कि जो एक्शन है उसका स्केल आपको दिखा सके या सराउंडिंग आपको दिखा सके। इसके बाद है वेरी वाइड शॉट या VWS। जब आप फिल्म प्रोडक्शन में जाते हैं या टीवी प्रोडक्शन प्रॉपर में जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टर जो है वो सिर्फ ये कहता है मुझे VWS चाहिए और कैमरामैन को पता होता है कि मैंने क्या करना है। तो इसमें अगर आप देखें कि सब्जेक्ट थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा वो बंदा जो फेंस के साथ एक खड़ा है वो नजर आना शुरू हो गया, उसमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, बंदा कौन है, ठीक है, काफी करीब है वो जो आपके सब्जेक्ट के करीब है, लेकिन उतना उतना वाइड नहीं है जितना पहले एक्सट्रीम वाइड शॉट वाइड था, उससे थोड़ा कम है। ये भी अमूमन जो है एस्टैब्लिशिंग शॉट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपका मेन प्रोटैगनिस्ट, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो इस सराउंडिंग में कहाँ पे है। पहले का मकसद था कि सराउंडिंग क्या है, इसका मकसद ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इस सराउंडिंग में कहाँ है, कहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहा है। ये भी एस्टैब्लिशिंग शॉट के तौर पे इस्तेमाल होता है और ऑडियंस को बेसिकली आपने ये बताना है कि उनको समझ आ जाए कि कौन सी चीज कहाँ है। और इसमें भी जो है प्लेंटी ऑफ रूम है कि अगर इसमें कोई एक्शन हो रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो आप दिखा सकते हैं कि भाई कुश्ती है, कबड्डी का मैच है। वेरी वाइड शॉट में भी आप वो एक्शन दिखा सकते हैं। अब है वाइड शॉट जिसे आप WS कहते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो उस पर एम्फोसिस है, पहले सराउंडिंग पे एम्फोसिस था, इसमें सब्जेक्ट पे एम्फोसिस है और इसमें आप दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट को पूरा दिखा रहे हैं। पहले आप सराउंडिंग को पूरा दिखा रहे थे, इसमें आप सब्जेक्ट को पूरा दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट जो है फैंस के साथ खड़ा है और इसमें यह है कि कोई सब्जेक्ट का कोई हिस्सा जो है वो लूज ना हो, पैर ना कट जाए, सर ना कटे, या उसके पैर और सर जो है वो एज के बिल्कुल करीब ना हो। ये इसमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कंफर्टेबली जो है वो नजर आ रहा हो और जो है वो उसकी कोई चीज जो है वो ऐसी ना हो कि जो कट रही है, टखनों तक शार्ट ना हो, पैर कट गए, तो वो ये इन चीजों का ख्याल रखना है। क्योंकि अगर ये काट दें, सर काट दें, सर का कुछ हिस्सा काट दें, टखने काट दें, पैर या घुटनों तक, ये तो वो फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है व्यूअर के लिए, ठीक है। तो ये है वाइड शॉट। वाइड शॉट में सब्जेक्ट पूरा आपने दिखाना, ठीक है, सिंपल। ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इनके एक टेक्निकल नाम है जो अगर हमें पता हो तो जब एक दूसरे को आप बताते हैं कि मुझे ये चाहिए तो आपका टाइम बड़ा बचता है ना। फ्रेम को करीब करो, बंद करो, पीछे करो, आगे करो, पीछे करो, मुझे वाइड शॉट चाहिए, दैट्स इट। अगला बंदा जो है वो वाइड शॉट दे देता है कैमरामैन, खत्म बात। ये मिड शॉट है, इसमें मजीद डिटेल है आपके सब्जेक्ट की, ठीक है, और इनफ जो है सराउंडिंग भी है कि आपको पता चले कि इर्द गिर्द क्या है और आपका सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है। मोस्टली ये वो शॉट है जो हमारी आंख, जब हम किसी को, हम तो वैसे और तरह से देखते हैं लेकिन जो परसेप्शन है हमारी आंख की वो नॉर्मली मिड शॉट होती है। हम किसी बंदे को भी जब देखते हैं ना तो हम मिड शॉट में देखते हैं, हम उसकी सराउंडिंग्स भी थोड़ी सी देख रहे होते हैं, मिड में कंफर्टेबली उस बंदे से हम बातचीत कर रहे होते हैं। ये सबसे नेचुरल शॉट है किसी बंदे को दिखाने के लिए। इसी वजह से न्यूज़ में, नॉर्मली आप न्यूज़ जब देखते हैं तो मिड शॉट्स ही होते हैं,
कभी भी आप नहीं देखेंगे कि न्यूज में न्यूज कास्टर का क्लोजअप आए या ज्यादा दूर हो, आहिस्ता आहिस्ता वो वाइड शॉट से शुरू करेंगे, ठीक है, या वो लॉन्ग शॉट से शुरू करेंगे, करते करते वो मिड शॉट पे आके रुक जाएगा न्यूज कास्टर के। तो उसका मकसद यही है कि वो सबसे नेचुरल है। अमूमन इंटरव्यूज में मिड शॉट इस्तेमाल होता है जिस वक्त आप इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं, जिस वक्त वो बंदा कोई इंटेंस बात नहीं कर रहा, कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा और आप सिर्फ एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं बंदे को, ठीक है, उस वक्त ये टू मच इमोशन, इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुख याद तो नहीं कर रहा, वो इधर उधर तो नहीं देख रहा, ऐसी सूरत हाल में आप मिड शॉट यूज करते हैं। ये बेहतरीन उस वक्त काम करता है जब आपका मकसद है कि आपने इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है लाइक न्यूज। इस शॉट में जो आपको अलाउंस है, जो आपको फायदा, वो ये है कि अगर वो बंदा बात करते हुए कोई हैंड जेस्चर्स कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, हाथ कर रहा है, वो कुछ एलैबोरेट करना चाहता है, तो वो सारा इजीली आप जो है कैप्चर कर सकते हैं, वो कटेगा नहीं, वो बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे नेचुरल तरीन शॉट है। तो प्रोग्रेशन नॉर्मली यही होती है कि पहले आप वाइड से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मिड पे आते हैं। अगर उसमें ज़्यादा अगर ड्रामा है लट से, या कोई ऐसी चीज़ है, इमोशनल है, डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें औरत रो रही है, अपना बच्चा उसका मजूर है, फिर आप क्लोजअप पे चले जाते हैं, फिर आप उसका आंसू दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो है वो आप मिड से शुरू करते हैं। मीडियम क्लोजअप, मिड शॉट और करीब तरीन शॉट के दरमियान में अगर कोई शॉट है जिसमें चेहरा पूरा स्क्रीन पे है और मिड शॉट जो है जिसमें पूरा आधा धड़ नजर आ रहा है, उसके दरमियान में जो शॉट है वो है मीडियम क्लोजअप। बेसिकली चेहरे की मजीद क्लैरिटी दिखाने के लिए, इमोशन दिखाने के लिए, जैसे जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं, स्पेशली इंटरव्यूज में ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल होती है कि आप मिड से शुरू करते हैं, आप पहले सराउंडिंग से शुरू करते हैं, ठीक है, आप इस्टेब्लिशिंग शॉट से शुरू करते हैं, फिर मिड पे आते हैं, फिर मीडियम क्लोज पे आते हैं, और जब वो सख्त तरीन सवाल पूछता है ना एंकर, वो एंड में एंड के लिए रखते हैं आप इमोशनल, उस वक्त आप फिर क्लोजअप पे जाते हैं, लेकिन ये दरमियान में फिर आप मीडियम क्लोजअप पे आते हैं। ये आपके स्टेप्स हैं। क्लोजअप, अब पूरा चेहरा उसका स्क्रीन पे है। जब क्लोजअप के ऊपर शॉट होता है तो जो चेहरे के इमोशंस हैं वो 2 times, 3 times, 10 times एग्जैजरेट हो जाते हैं। अगर एक बंदा हंस रहा है तो आपको 10 times ज्यादा हंसता हुआ नजर आएगा, परसेप्शन उसकी, और यानी कि महसूस होगा कि वो बहुत हंस रहा है। अगर बंदा रो रहा है तो वो आपको ज्यादा रोता हुआ महसूस होगा, क्योंकि आप ये इंटिमेसी का लेवल है ना। आप देखें, आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में जब आप एक कमरे में किसी बंदे से बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन इंटीमेट होती है, आप करीब होते जाते हैं, ठीक है। रोमांटिक में अगर आप कर लें, उसमें भी आप देख लें, उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लोजअप है उसका मकसद है मैक्सिमम इमोशन कन्वे करना, क्योंकि आपके पास ये टेलीविजन की लैंग्वेज है, और हमारी टेलीविजन की एक शॉर्ट लैंग्वेज है ना बेसिकली, कि शॉर्ट्स के जरिए आप इमोशन कन्वे करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऑप्शन। आप ये नहीं दिखा सकते कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, ये तो नहीं दिखा सकते आप, तो फिर आप शॉर्ट की लैंग्वेज के जरिए दिखाते हैं कि बंदा क्या सोच रहा है, उसकी आंखों से पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है। शोइंग डिटेल, और इसको कट इन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कट इन ये है कि एक बंदा मतलब बंदा बात कर रहा है और उसके बाद उसने कोई और बात शुरू की है, ठीक है, तो वो कट लगाने में बजाय इसके कि आप सेम टू सेम सोर्स कट लगाए, आप इसे कट करके तो क्लोजअप पे चले जाते हैं, थोड़ी देर क्लोजअप रखते हैं, वापस आते हैं, पता ही लगता कि बाद में कट लगा है। तो बेसिकली क्लोजअप जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस को एग्जैजरेट करता है, और इस वजह से इमोशंस कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है। और व्यूअर जो है वो आपको पता होगा हर एक बंदे की एक पर्सनल स्पेस होती है, ठीक है। पर्सनल स्पेस ये है कि अगर मैं यहाँ तक हूँ ना रजा के मैं यहाँ तक हूँ, ठीक है, तो रजा को कुछ टेंशन नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा और करीब आ जाऊँ तो रजा को टेंशन शुरू होगी, मेरे करीब क्यों आ रहा है, और करीब होगा और टेंशन शुरू हो जाएगी। ये पर्सनल स्पेस है। तो बेसिकली जब आप इस तरह से क्लोजअप के जरिए जाते हैं तो आप बेसिकली उस बंदे की पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं, और उसकी वजह से आप उस बंदे से कनेक्ट करने लग जाते हैं। आपका मकसद ये है कि आप व्यूअर जो है वो जो सब्जेक्ट वो बताया जा रहा है, या वो जो खातून जो बात कर रही है, वो रो रही है, उसके बच्चे को मार दिया है, तो वो उससे कनेक्ट कर सके आप। तो वो कनेक्ट कराने के लिए आपको ये करना पड़ता है।
ठीक हो गया। अब ये हमारा क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप मजीद क्लोजअप है, जैसे आंख का या हाथ का या आईब्रो का या व्हाटएवर। इस शॉट के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रीजन चाहिए। लेट्स से आंख पर चोट लगी है लड़ाई होते हुए, ठीक है, और आप वो शॉट दिखा रहे हैं, खून निकल रहा है आंख में से, तो आप एक्सट्रीम क्लोजअप में चले जाएंगे। या आपने स्पेसिफिक आंसू आंख में से निकलता हुआ दिखाना है किसी वजह से, ठीक है। अब वो अक्सर आप ड्रामों में देखते हैं कि जब वो कोई लड़ाई होती है, कुछ होती है, वो बीवी का दिखा रहे हैं शॉट, तो उसका आंसू निकलता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। तो देर इट हैज टू बी अ स्पेसिफिक रीजन फॉर एक्सट्रीम क्लोजअप, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग शॉट है, ठीक है। आपको शायद हैरानी होगी कि बाज जिस फिल्मों में एक्ट्रेसेस वगैरह जो हैं या एक्टर्स जो हैं वो लिखवाते हैं कि हमारा एक्सट्रीम क्लोजअप नहीं होगा। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद एक्सट्रीम क्लोजअप्स, कि इससे ज्यादा मेरा क्लोजअप नहीं लेंगे आप, ये भी होता है। तो इस वजह से वेरी ड्रामेटिक कंडीशन में अगर आपने कुछ ऐसा करना है उसके लिए एक्सट्रीम क्लोजअप है। तो बेसिकली ये शॉर्ट टाइप्स हैं। कट अवे शॉट्स, दो चीजें होती हैं, कट अवे कट इन, ठीक है। कट अवे शॉट्स बेसिकली ये है कि जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं, मैं इंटरव्यू की मिसाल दे रहा हूं, जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं, आप एक एस्टैब्लिशिंग शॉट लिया, आपने मिड शॉट और ये वो सारे लेने शुरू कर दिए, उसके अलावा आप कट अवे शॉट्स भी लेते हैं। उसमें मसलन बंदे के हाथ का शॉट, बंदा बात कर रहा है, आप उसके हाथ का शॉट ले रहे हैं, ये बेसिकली काम आते हैं कवर अप करने के लिए, ठीक है। उसके हाथ का शॉट, उस कमरे में सराउंडिंग, उसी विद इन दैट कमरा, अगर वहां पे कोई तस्वीर लगी हुई है उसके माँ बाप की, ठीक है, या कोई चीज भी इंटरेस्टिंग है जो उस कमरे के अंदर है, ग्लोब पड़ा हुआ है, लैंप पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्ली गुजर गई है उसके पैरों के पास से, व्हाटएवर जो, लेकिन उस एनवायरमेंट के अंदर, ताकि ये ना हो कि ये चीज बाहर से आ गई है, ठीक है। अगर लेट्स से एक औरत का आप इंटरव्यू ले रहे हैं और उसकी बिल्ली उसके साथ बैठी हुई है और एस्टैब्लिशिंग शॉट में वो बिल्ली नजर आ रही है, तो कट अवे में आप वो बिल्ली दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि वो बात करते हुए वो बिल्ली को भी प्यार कर रही है, ठीक है। दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग कि आप एनवायरमेंट भी देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते ऐसे हैं, हम जब किसी जगह पर जाते हैं तो हम बेसिकली इसी तरह देखते हैं कि हम छोटी छोटी चंक्स में, हम चंक्स में चीजों को देखते हैं। हम किसी जगह पर जाते हैं, मैं इनको देखूंगा फिर इनको देखूंगा, हम मूवमेंट में पैन करके टिल्ट करके मशीन की तरह नहीं देखते, हम शॉट्स में देखते हैं, हमारी परसेप्शन जो है वो शॉट्स में है। इस वजह से कटवे जो है वो आपकी उस जगह की परसेप्शन में इजाफा करता है, बेसिकली एक बफर है जो एडिटर को हेल्प करता है कि कट्स ना आए बीच में, अब्रप्ट कट्स ना आए। अगर वो बात काटी है, जाहिर इंटरव्यू लिया है, वो अब सारी बात तो नहीं डालनी है आपने, बीच में से चार लाइनें होती हैं जो काम की होती हैं, तो बाकी तो ऐसे ही होती है, तो आपने उसको जब कट करना है तो वो आपके पास कट अवेज जितने ज्यादा होंगे, आप जाएं जब जिस वक्त इंटरव्यू की प्रेपरेशन हो रही है, मेकअप शेकअप हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा लेकिन चलो उसको सीट कर रहे हैं आप, उसको बिठा रहे हैं, लाइट सेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उतनी देर में एक बंदा जो है वो कैमरा पकड़े और कट आउट्स ले ले, सारे कट अवेज ले ले, कमरे का है, सीट है, फलानी चीज, ये आपके पास 20-25 कट अवे हो गए, आपको सुकून है, उसके बाद वो जितने मर्जी कट कर दे, आपने उसको कवर करना है और वो बिल्कुल एक फ्लो में जो है वो इंटरव्यू चलेगा, ठीक हो गया। तो कट अवे, कट अवे और कट इन में ये फर्क है, कट इन बेसिकली है जो एक्शन को एम्फोसाइज करता है। कट इन वो शॉट्स है जब आप कुकिंग शो कर रहे हैं और आप एक बंदे का मिड शॉट दिखा रहे हैं जो कुछ मिक्स कर रहा है, और आप फिर उससे अगले शॉट पे जाते हैं जिसमें वो बाउल जिसमें वो मिक्स कर रहा है वो करीब से दिखा रहे हैं, तो दैट इज अ कट इन, ठीक है। आप वो मिक्स करता हुआ दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा आप चले जाते हैं मिड शॉट के ऊपर, तो दैट शॉट जिसमें आप किसी एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए करीब जाते हैं, ठीक है, दैट इज अ कट इन शॉट। एडिट पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, इमोशन को भी इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है, जैसे अगर कोई रो रहा है, मुंह का क्लोजअप फिर वापस आ गए, तो बेसिकली वो क्लोजअप शॉट है, लेकिन उसको हम उस जिस वक्त हम लगा रहे हैं उसके लिहाज से हम कहेंगे कि कट इन हो गया जी। हैंड मूवमेंट दिखाने के लिए एंथुजियाज्म, एजिटेशन, नर्वसनेस, कोई भी चीज जो है, बोरनेस, बंदा उस जिस चीज से बोर हो रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, यार ये क्या, ये सारी चीजें जो है ये कट इन्स के जरिए आप दिखाते हैं। टू शॉट बेसिकली मिड शॉट है, लेकिन उसमें दो बंदे नजर आ रहे हैं,
टू शॉट्स कहाँ इस्तेमाल होता है? एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स, यानी दो, एक प्रोग्राम है जिसके दो होस्ट हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जिसके दो होस्ट हैं, आपने दोनों को साथ साथ खड़ा किया और उनका मिड शॉट लिया, दैट एस्टैब्लिशेस कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप इससे भी एक्सपेक्ट करें इंफॉर्मेशन और इससे भी एक्सपेक्ट करें इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली टू शॉट उसको कहते हैं। उसमें एक्शन भी हो सकता है और कोई इंटरेक्शन दो लोगों का आपस में है, दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं लेट से, तो वो भी टू शॉट ही है, ठीक है। और उसमें है कि चूंकि वाइट नहीं है, सिर्फ उन दोनों पे एम्फेसिस है, तो सराउंडिंग से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो ये है टू शॉट। ओवर द शोल्डर शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट हम लोग अक्सर यूज करते हैं, इंटरव्यूज में मोस्टली यूज होता है, या दो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनका इंटरेक्शन शो करने के लिए ओवर द शोल्डर इस्तेमाल होता है। उसमें जो बंदा जो फेस कर रहा है वो 1/3 ऑफ द फ्रेम होता है, और इसे आप देखो ना कि वो फ्रेम में कितने हिस्से में है, जिसका सर नजर आ रहा है वो कितने हिस्से में है, और ये शॉट जो है जो आपके जो बंदे खड़े हैं उनकी पोजिशन को इस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करता है। ये भी बताता है कि कौन कहाँ देख रहा है, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और नॉर्मली आप ड्रामों में देखें कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हो तो दो ओवर द शोल्डर यूज हो रहे होते हैं, एक कैमरा उन्होंने उसके पीछे रखा होता है, एक कैमरा उसके पीछे रखा होता है, और वो दोनों हरकत दोनों शॉट में आ रहे होते हैं, लेकिन ओवर द शॉट इधर से ओवर द शोल्डर। इंटरव्यू रिज खान का आप देख लें, कोई भी आप जो इंटरमेंट इंटरव्यूज हैं उसमें अमूमन ओवर द शोल्डर इस्तेमाल होता है। नॉडी शॉट, आपके पास एक कैमरा है, आप उससे इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, और आप इंटरव्यू करने वाले को भी दिखा रहे हैं, इस केस जिस केस में आप दोनों को दिखा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप एक बंदे को बैठाते हैं, ठीक है, आप एस्टैब्लिशिंग शॉट दिखाते हैं जिसमें दोनों बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि कहाँ कहाँ बैठे हैं। उसके बाद आप कैमरा सेट करते हैं जिसका इंटरव्यू लेना है उसका, ठीक है, उसके सारे शॉट ले लेते हैं, सारे सवाल उससे कर लेते हैं, उसके बाद आप कैमरा सेट करते हैं दूसरी जगह पे ओवर द शोल्डर या जैसे भी, कि वो दूसरा बंदा नजर आए जो सवाल कर रहा है, और उसे कहते हैं 5-6 दफ़ा 20 दफ़ा जो है सारा ला दो, नॉड कर दो, तुम्हें समझ आ रही है, तुम बात कर रहे हो, हाँ बहुत अच्छी बात की आपने, ज़बरदस्त, ये वो, नॉडी शॉट्स, अब नॉड कर रहे हैं, एंड देन यू एडिट देम, इट फील्स के दो कैमरे थे, ठीक है, और ये भी कि अगला बंदा जो है उसकी बात दूसरे को समझ आ रही है, ठीक है, एम्फोसाइज करने के लिए, ताकि लोग भी इंटरेस्ट लें कि हाँ यार ये इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, दूसरे को समझ आ रही है, मुझे भी आनी चाहिए, ये नॉडी शॉट्स इंपॉर्टेंट है, तालीम बता रहे हैं आप, और उसमें हो सकता है कि कोई बंदे की अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाए, किसी और साइड पे चले हो जाए, लेकिन जिस कोई मुश्किल चीज़ बता रहे हैं उसमें वो नॉडी शॉट जो है वो अगले बंदे को वापस ले आता है उस कॉन्वर्सेशन की तरफ, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसने इस पर नॉड किया, तो ये एक सबकॉन्शियस है, सिबलिमिनल मैसेज है, यानी आपके दिमाग को मैसेज आ रहा है जिसका आपको पता भी नहीं लग रहा कि हमें किस तरह मैनिपुलेट किया, बेसिकली मैनिपुलेशन है ना। तो ये इंटरव्यू में बाद में एडिट होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं नॉडी शॉट्स, ठीक, ये बहुत जरूरी है उस केस में जिस केस में अगर आप दोनों को दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप दोनों को नहीं दिखा रहे तो आप नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स ये हैं कि एक बंदा कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है, वो स्क्रीन पे क्या देख रहा है, उसने टाइपिंग शुरू की है, टाइपराइटर ये वो कीबोर्ड ये है, यानी वो जिस चीज की तरफ देख रहा है वो आपने दिखाना है अगले शॉट में, दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, व्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि इस तरीके से उसको आप एडिट करते हैं कि पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा आप कंप्यूटर को उसने ऐसे ऐसे कर रहा था, उसने ऐसे करके कंप्यूटर की स्क्रीन को देखा, अगला शॉट कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है, उसके बाद आप वापस उसने अपना काम शुरू किया, उसने ऐसे देखा सामने से बंदा आ रहा है, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस बन गया, और आपने ये भी इस्टेब्लिश कर दिया कि वो क्या देख रहा है, ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। वेदर शॉट, ऑब्वियसली वेदर बताने के लिए, किसी भी वजह से अगर आपने अपने प्रोग्राम में वेदर दिखाना है, सब्जेक्ट जो है इस किस्म के शॉट्स में वो वेदर है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है, सहरा है, मतलब आपने किसी भी वजह से आपने वेदर दिखाना है, स्पोर्ट्स शोज में इंपॉर्टेंट होता है, या इस्टेब्लिशिंग शॉट फॉर सेटिंग, आपने दिखाना है कि एक जगह है जहाँ पे बर्फबारी हुई हुई है, मरी है,
या वो कोयटा है, ठीक है, तो इस्टेब्लिशिंग शॉट में दिखाने के लिए बेसिकली ये वेदर शॉट्स, इसका हम एक नॉर्मली हम शॉट लेते हैं लेकिन उसका एक नाम है। तो ये तो है अच्छा पार्ट वन का एंड। अब कोई क्वेश्चंस? देखो, जो वाइड शॉट है और जो मिड शॉट है, इसमें सब्जेक्ट अगर ह्यूमन हो, मतलब बंदा हो कोई, तो हाँ उसको दरमियान में रखना ठीक है या लेफ्ट या राइट रखना ठीक है? क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में या तो राइट होता है ज्यादातर जो। जो जो शॉट की कंपोजिशन इटसेल्फ है ना, वो डिपेंड करती है कि उस बंदे ने कहाँ पे देखना है। मोस्टली ये होता है कि अगर बंदा जो है वो कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि फ्रेम थोड़ा सेंटर में हो। लेकिन एक और रूल भी है, वो रूल है रूल ऑफ थर्ड्स। वो ये कहता है कि आपका बंदा किसी सूरत में भी बिल्कुल सेंटर में नहीं होना चाहिए। वो एस्थेटिक्स से उसका ताल्लुक है। ये एस्थेटिक्स के रूल जो है ना, इनका ताल्लुक पर्सनल चॉइस के साथ है, ठीक है। लेकिन अगर 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 दो बंदे हैं, लेट्स सपोज आप इंटरव्यू ले रहे हैं आउटडोर में, दो बंदे हैं और दूसरे बंदे ने भी है, तो फिर बेहतर ये है कि आप इस्टेब्लिश करें कि बंदे किस जगह पे हैं। एक एक राइट पे है तो एक लेफ्ट पे है। तो अगर उसकी उसकी वजह से अगर आपका कैमरा थोड़ा सा सेंटर में नहीं ले रहा उस बंदे को, तो उसका मतलब है कि इधर कुछ है। 180 का रूल उसको कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, वो इसके नेक्स्ट नेक्स्ट में वो है कि आप किस तरह से डायरेक्शन, स्क्रीन डायरेक्शन किस तरह स्टैब्लिश करते हैं। दैट हैज टू डू विद स्क्रीन डायरेक्शन।